और इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान और साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। परिचय आपको करा देती हूँ। मेरे साथ सुशांत सरीन साहब मौजूद है और साथ ही साथ मेरे दो सहयोगी मंजीत नेगी, हिमांशु मिश्रा, दोनों ही हमारे साथ मौजूद हैं। मंजीत, क्योंकि आप बहुत क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व भी करते आए हैं, जरा समझाइए, जब डिसएंगेजमेंट की बात होती है, भारत ने कुछ खोया नहीं, चीन पीछे हट रहा है, किस तरीके से इसको समझा जाए? देखिए, पिछली जो 9वें राउंड की कोर कमांडर की बातचीत हुई थी मॉल्डो में 24 जनवरी को, उससे पहले जो दो राउंड की और बातचीत थी, एक फाइनल डिसएंगेजमेंट प्लान पर तैयारी थी, हालांकि उसको लेकर बीच में चीन की कुछ आशंकाएं थी। लेकिन अब जिस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया है कि, और इस कल देर शाम से ये बात सामने आने लग गई थी कि डिसएंगेजमेंट होगा, अभी के प्लान के मुताबिक पेंगोंग के दोनों छोर से, यानी कि दक्षिणी उत्तरी दोनों छोर से समयबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट होगा, सेनाएं पीछे हटेंगी। अप्रैल 2020 के जो हालात हैं, जहां पर दोनों सेनाएं थी, खासतौर सबसे जो गंभीर मसला था दोनों सेनाओं के बीच में पेंगोंग का फिंगर फोर का इलाका था, जहां पर भारतीय सेना फिंगर फोर के पास धनसिंह थापा पर थी और चीनी सेना फिंगर एट पर थी, उनका एडम बेस वहां पर था। अभी दोनों सेनाओं को वहां पर वापस लौटना होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, सुशांत सरीन साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले हिमांशु मैं आपके पास आऊंगी, आपके साथ संजय राउत साहब है, क्या प्रतिक्रिया आ रही है इस पर? संजय जी, आज जो राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चाइना के साथ जो है डिस एंगेजमेंट एग्रीमेंट हो गया है और जो यथावत स्थिति थी 2020 में वो फिर से होगी और भारत ने एक इंच जो है वो जमीन नहीं खोई है। और उन्होंने कहा ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कूटनीतिक स्तर पे भी और सैन्य स्तर पे भी भारत की, कि उसने चाइना को उनके रणनीति के तहत जो है वो बिल्कुल पिछली स्थिति पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए, हमने आज उनका स्वागत किया है, रक्षा मंत्री का जो बयान था और जो बात देश के सामने रखी, देश में विश्वास में लेकर, सदन को विश्वास में लेकर, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, तो आज जो बात सदन के सामने रखी है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, हमने उनका अभिनंदन भी किया है और उनके बयान का स्वागत भी किया है, लेकिन और भी कुछ बातें वहाँ बाकी है जमीन पर। अब मुझे लगता है उनका जो टॉक है दो देशों में वो अभी भी चल रहा है, तो उसके ऊपर अब ज़्यादा डिबेट करना ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि फिंगर थ्री तक जो है, जो एडम बेस है, वहाँ पर भी पेट्रोलिंग नहीं होगी जब तक बातचीत कंप्लीट नहीं होती, एक 48 घंटे में एक राउंड की बातचीत और होगी। ठीक है, अच्छी बात है, जैसे बयान दिया था उसके मुताबिक जब सब ठीक चला, तो मुझे लगता है ये दो देशों में जो तनाव है कुछ महीनों से वो खत्म होना चाहिए, खत्म हो रहा है। हिमांशु, मैं लौटती हूँ आपके पास, सीधा चलेंगे। सुशांत सरीन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत जी, हर बार जब भी बात हुई है एक लाइन का जिक्र हमेशा आया है कि हम चीन पर कितना भरोसा करें, अब जाकर कहीं इस पर जो जिस हिसाब से रक्षा मंत्री ने यह बयान दिया है उस पर सहमति बनी है कि हम वापस अप्रैल 2020 की स्थिति में लौटेंगे, अब फिर से वही बात, क्या चीन पर भरोसा किया जाए और क्या स्थिति उतनी बरकरार होगी और कितने समय में पूर्णतः जब हम डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं वो कब तक हो पाएगा? देखिए, भरोसा तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में किसी के ऊपर भी नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता कि भारत ने भी कोई बहुत ज्यादा भरोसा जताया है, तभी इतनी लंबी बातचीत हुई है और हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखा जा रहा है। पहली बात तो यह है, तो ये तो भरोसे की बात होगी, भरोसा किसी के ऊपर नहीं है और चीन के ऊपर तो कतन नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये एक सबसे पहला और सबसे छोटा कदम है, इसमें अभी और बहुत सारे पड़ाव आएंगे, क्योंकि जैसे कि रक्षा मंत्री ने खुद बताया और बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर अभी तक सहमति नहीं बनी, वहां पर भी सहमति बनाने की जरूरत है। जहां तक ये समझौते का मामला है, मेरे ख्याल ये एक तरीके का अच्छा समझौता माना जा सकता है, क्योंकि एक तो इससे कुछ तनाव कम होगा, एक ये पहल हो गई है और अब ये बाकी जो मुद्दे हैं उसके लिए भी मददगार साबित होगा। तीसरी चीज ये, और जो बहुत अहम है, इसमें दोनों तरफों से कुछ दिया और कुछ लिया गया है। ये बात मंजीत की बिल्कुल ठीक थी आपके संवाददाता की, कि दोनों साइड पहले तो वहां पर जो उनके परमानेंट बेसिस थे वहां पर वापस चली जाएंगी। उसका मतलब ये है कि जहां पर जो फॉरवर्ड एरियाज में भारत ने भी अपने कुछ लोगों को बिठाया हुआ था चोटियों के ऊपर, वो लोग भी नीचे उतरेंगे, जैसे कि चीनी भी वापस जाएंगे।
एक बात तो ये है। दूसरी चीज कि चीन ने फिंगर फोर के पास में, फिंगर फाइव के आसपास एक बहुत बड़ा अपना एक बेस टाइप का बनाना शुरू किया था। इस समझौते से ये स्पष्ट है कि उसको वो सब हटाना पड़ेगा जो कुछ भी उसने नई चीज बनाई। उसी तरीके से भारत ने भी जो कुछ नई चीजें बनाई होंगी वो हमारे को हटानी पड़ेगी। ये भी भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि जो पेट्रोलिंग का मामला है, क्योंकि भारत फिंगर एट तक पेट्रोलिंग करता था नॉर्थ बैंक पे और चीन जो था फिंगर फोर तक आता था, वो पेट्रोलिंग अब दोनों साइड नहीं करेंगी कुछ समय के लिए, जब तक आगे की मोडालिटीज जो है डिसाइड ना हो जाए। तो मेरे ख्याल उसमें भी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई हम फिंगर एट तक जाते थे तो हमने क्यों रोक दिया। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ दो और कुछ लो का समझौता हुआ, वैसे ही चीनी जो है वो भी फिंगर फोर तक नहीं आएंगे पेट्रोलिंग करते हुए। तो मेरे ख्याल अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक अच्छा समझौता है, और ये शायद जो आगे के जो और जटिल थोड़े से मुद्दे रहेंगे, जो बाकी एरियाज ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जहां पर लद्दाख में, उसको भी सुलटाने में ये मददगार साबित होगा।